लोगों को मोबाइल क्यों चार्ज करना है? मोबाइल से कोई रोजगार मिलेगा? रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे प्रधानमंत्री जी? किसानों की एमएसपी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आय दुगनी करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? महंगाई कम करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? परिवारवाद से किसी देश का मतलब किस नौजवान को रोजगार मिल जाएगा इस पे बोलने से? किस किसान की आय दुगनी हो जाएगी? देश के लोग भी तो यही पूछ रहे हैं कि मोदी जी जो 14 में वादे किए, जो 19 में वादे किए, कौन सा वादा पूरा हुआ है? तो मोबाइल क्यों चार्ज करना है लोगों को? लोगों को मोबाइल क्यों चार्ज करना है? मोबाइल से कोई रोजगार मिलेगा? राष्ट्रीय जनता दल जो अपना वादा किया था 17 महीनों में, जो 17 वर्षों तक पूरा नहीं किया, 17 महीनों में हम लोगों ने रोजगार दे के दिखाया, 5 लाख रोजगार दिया है। मोबाइल से क्या होगा? रोजगार मिलेगा? रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे प्रधानमंत्री जी? किसानों की एमएसपी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आय दुगनी करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? महंगाई कम करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये सब बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप परिवार पे किस लिए बोल रहे हैं? मांझी जी किसके परिवार के हैं? परिवारवाद पे क्यों बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी? परिवारवाद से किसी देश का मतलब किस नौजवान को रोजगार मिल जाएगा इस पे बोलने से? किस किसान की आय दुगनी हो जाएगी? क्या कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? ये नीतीश कुमार वो प्रधानमंत्री के साथ आज मंच साझा नहीं कर रहे हैं। मोदी जी अब तो प्रधानमंत्री जी बताएंगे ना कि क्यों नहीं साझा कराना चाह रहे हैं। ये तो उनका अंदरूनी मामला है ना। शायद हमको लगता है कि उस दिन वो उनको 400 के जगह वो 4000 बोल गए, माफी मांगना पड़ा पैर छू के प्रधानमंत्री जी से, नीतीश कुमार जी को। शायद कारण यही रहा होगा, हम तो जानते नहीं है कारण। ये तो प्रधानमंत्री जी बताएंगे और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोग बताएंगे कि आखिर क्या कारण है कि दो नेता अभी साथ में आए हैं और मंच साझा नहीं कर रहे हैं। इस पे हम क्या कह सकते हैं? मोदी जी ने कहा अपने सपना दिखाया, लेकिन मोदी ने उसको पूरा करने का काम किया। कौन सा? वही तो हम भी पूछ रहे हैं, देश के लोग भी तो यही पूछ रहे हैं कि मोदी जी जो 14 में वादे किए, जो 19 में वादे किए, कौन सा वादा पूरा हुआ है? नया क्या बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी? वही तो सब लोग पूछ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के साथ कब करेंगे प्रधानमंत्री जी? देश के नौजवानों को कब संबोधित करेंगे कि कब से रोजगार देना शुरू करेंगे? क्या कहना चाह रहे प्रधानमंत्री जी? 40 सीट जीतने का दावा कर रही है एनडीए। हम तो 40 सीट अभी तो सुने 4000, अब वही हम सोच में पड़े हुए हैं कि 4000 आएगा कहाँ से। हम भी तो वही सोच रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 20।